हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट ए, एंगल ए पे 90 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, टेक पाई। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है, ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड साइड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 है ये, 90 डिग्री ये हाइपोटेनस हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ए सी का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए सी नहीं पता हमें, ए सी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 100, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा 64, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, ए सी का वैल्यू हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें शेडेड पार्ट निकालना है, तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना काफ़ी इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो, और दोनों तीनों साइड पता है, तो आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आराम से निकल जाएगा। हम निकाल भी लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया, किसी इन दोनों साइड में किसी एक को बेस ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस और हाइट हो गया 6, तो 8 48 बाई 2 ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए चाहिए रेडियस, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, हम सर्कल चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ ए से ओ को जोड़ देंगे, ओ सी को, ओ ए को और ओ बी को जोड़ के तीन ट्राइंगल बनेगा, तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया जोड़ के बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट करेंगे, तो वो भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या दिखेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो यहाँ से ये जो है सर्कल, सर्कल के लिए ये लाइन क्या हो गया, टेंजेंट, सर्कल के लिए ये लाइन हो गया टेंजेंट और सर्कल के लिए ये लाइन भी क्या हो गया, टेंजेंट। तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर जोड़ दें तो वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर बन जाता है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सेंटर से सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, या फिर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये आके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ही मिलेगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, दो तरीके से लिख सकते हैं, तो ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, फिर ओ ई परपेंडिकुलर ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, तो तीन 90 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियस है कि फोर्थ वाले एंगल को 90 होना ही पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, चारों कॉर्नर अगर 90 डिग्री हो गया तो ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो गया, और रेक्टेंगल का ये दोनों साइड आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल का, तो रेक्टेंगल का अगर दो साइड, टू एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए तो वो स्क्वायर प्रूव हो जाता है, तो ये एक स्क्वायर प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर प्रूव हो गया तो इसके बाद स्क्वायर का चारों साइड आपस में क्या होगा, बराबर, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये ए से लेके ई तक ये भी रेडियस हो जाएगा और ए से लेके डी तक ये भी रेडियस हो जाएगा। अब ये पूरा जो साइड है ए सी, ये 8 है, तो सिर्फ सी से लेके ई तक क्या हो जाएगा, 8 माइनस आर, ये पूरा साइड जो है ए बी वो है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो सिर्फ बी से लेके डी तक क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर। अच्छा, बी डी और बी एफ ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ, तो ये 6 यहाँ से लेके यहाँ तक 6 माइनस आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 6 माइनस आर हो जाएगा। सी ई इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, तो यहाँ सी से लेके ई तक 8 माइनस आर है, तो सी से लेके एफ तक ये भी 8 माइनस आर हो गया, तो हमें सी एफ का वैल्यू भी पता चल गया, बी एफ का वैल्यू पता चल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा और बी सी का वैल्यू ऑलरेडी 10 हमें पता है। ठीक है, तो सी एफ प्लस बी एफ इक्वल टू बी सी, तो सी एफ क्या आ रहा है, 8 माइनस आर और बी एफ आ रहा है 6 माइनस आर इक्वल टू बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 8 प्लस 6 14 माइनस 2 आर इक्वल टू 10, तो
सॉरी 8 6 14, तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 10 इक्वल टू 2R, तो 2R इक्वल टू 14 माइनस 10 4 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 14, ये क्या हो गया 10 4, तो 2 उधर जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। अब जब सर्कल का रेडियस मिल गया तो सर्कल के एरिया को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये सबको लिख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से, क्या क्या किए हम यहाँ पे, एक ये काम किए सबसे पहले इन सबको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो उसके बाद लिखेंगे कि ये स्क्वायर कैसे प्रूव हुआ। ये पूरा करके हमें बताना पड़ेगा कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। एंगल ए डी ओ चाहे एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ई ए इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने क्योंकि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे ये रीज़न दे देते हैं कि ओ डी परपेंडिकुलर ए बी और ओ ई परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। तो तीन एंगल 90 डिग्री हो गया, तो देयरफोर एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गया, तो देयरफोर ए ई ओ डी इज अ रेक्टेंगल। चारों एंगल 90 होने से वो सिर्फ रेक्टेंगल होता है, उसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। नाउ इन रेक्टेंगल ए ई ओ डी, ओ ई इज इक्वल टू ओ डी, ओ ई और ओ डी आपस में बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, देयरफोर ए ई ओ डी इज अ स्क्वायर। तो ए ई ओ डी एक स्क्वायर प्रूव हो गया। तो अब जब स्क्वायर प्रूव हो गया तो उसके चारों साइड इक्वल होंगे, तो देयरफोर ए ई इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई ओ इक्वल टू डी ओ, ठीक है। तो ए ई इक्वल टू ए डी ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू आर के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों तो आर ऑलरेडी रेडियस है, तो ए ई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो ए ई इक्वल टू ए डी इक्वल टू आर, ठीक है। नाउ सी ई इक्वल टू, सी ई क्या हो जाएगा, 8 माइनस आर, क्योंकि ये पूरा 8 था, तो C से लेके E तक हो जाएगा 8 माइनस आर, और B से लेके D तक हो जाएगा बी डी इक्वल टू 6 माइनस आर, ठीक है। तो सी एफ का वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू सी ई, जो सी एफ है वो सी ई के बराबर है, तो सी एफ इक्वल टू 8 माइनस आर, और जो बी एफ है वो है बी डी के बराबर, तो बी एफ इक्वल टू 6 माइनस आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आ गया, उसके बाद सी एफ प्लस बी एफ इक्वल टू बी सी, सी एफ आ गया है 8 माइनस आर, बी एफ आ गया है 6 माइनस आर इक्वल टू बी सी दिया हुआ है 10, तो 14 माइनस 2R इक्वल टू 10, 14 माइनस 10 4 इक्वल टू 2R, तो रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया सर्कल का, तो अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो 3.14 इंटू रेडियस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा 14, 4 जा 56.43 जा 12, तो ये आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ऑलरेडी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, कहीं जगह नहीं बचा है बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए, यहीं पे कर लेते हैं। तो शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 12.56, तो 24 में से 12 चला जाएगा तो 12 बचेगा, 12 में से 0.56 चला जाएगा तो ये बचेगा 11.44 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।